हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिज एकेडमी। और आज हम एक मैथ्स का टॉपिक करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। देखिए, टॉपिक पांच पार्ट में डिवाइड रहेगा, पांच वीडियोस बनेंगी इसकी। शुरू की दो वीडियोस में आपको कंसेप्ट डेवलप कराऊंगा और बाद की तीन वीडियोस में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे। जितने क्वेश्चन हो सके, जितने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हो सके, वो हम ट्राई करेंगे। तो देखिए, टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है, ये दो कंसेप्ट के ऊपर सोल्व हो सकता है। एक सिंपल कंसेप्ट बोलते हैं यूनिटरी मेथड और एक बोलते हैं एलसीएम मेथड। मैं एलसीएम मेथड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि एलसीएम मेथड और यूनिटरी मेथड में क्या डिफरेंस है। हालांकि कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, स्लाइट डिफरेंस है, बट एलसीएम मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाती है, क्योंकि आपके फ्रैक्शंस में आंसर, मतलब फ्रैक्शंस में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। देखिए, इसको समझने के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है केक का। सपोज एक केक है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि एक केक को एक आदमी चार दिन में खाता है, तो बताइए एक दिन में कितना पीस खाना पड़ेगा। तो अगर एक केक है और चार दिन में खाना है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 1/4 ऑफ केक। तो ये आपका सिंपल हो गया। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, कि आपने एक दिन का निकाला, कि एक दिन में 1/4 निकाला। अब एलसीएम के अंदर मैंने क्या किया, उसमें केक को चार पीस में डिवाइड कर दिया। अब देखिए, अगर चार पीस ऑफ केक है और मैं कहता हूं चार दिन में खाना है, तो एक दिन में कितना पीस खाना पड़ेगा, एक पीस खाना पड़ेगा। तो यहां पर मेरा 1/4 ना के 1 आ जाता है, यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन बच जाती है। अगर सपोज ऐसा होता कि मैं बोलता कि मैंने केक को 8 पीस में डिवाइड किया है, अगर केक को 8 पीस में डिवाइड करता और बोलता कि चार दिन में खाना है, तो पर डे कितना खाना पड़ता उसको, 2 पीस खाने पड़ते, 8/4। अगर 2 पीस खाता तो 8 पीस 8 दिन में खत्म, 4 दिन में खत्म हो जाते, राइट। अब देखिए, हम टाइप 1 पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन क्या आता है कि ए एक्स डेज में करता है, बी वाई डेज में करता है, तो बताइए ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ए करता है 6 दिन में और बी करता है 12 दिन में काम खत्म। तो अब ये बताना है कि A प्लस बी मिलके इस काम को कितने डेज में करेंगे, सही है। अब देखिए, 6 और 12 का सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 12। इसको आप मान लीजिए टोटल यूनिट्स। अगर आप 12 टोटल यूनिट्स है और 6 दिन में काम खत्म कर देता है A, तो पर डे का कितना काम हुआ इसका, 2 यूनिट्स पर डे आ गया इसका काम। इसी तरह से बी का अगर देखें, 12 दिन में काम खत्म करता है, 12 यूनिट है, तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, एक यूनिट पर डे। अब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे कि ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, ए करता है 2 यूनिट, बी करता है 1 यूनिट, तो दोनों की मिलके एक दिन की यूनिट कितनी हो गई, 3 यूनिट्स हो गई, 3 यूनिट्स पर डे, और टोटल काम कितना है, 12 यूनिट्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12/3, दैट इज 4 डेज। सिंपल है। चलिए, तीन लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी बेस्ड है, टाइप 1 पे ही, कि सपोज तीन लोग हैं, ए करता है 3 दिन में, बी करता है 4 दिन में, सी करता है 6 दिन में। और अब आपको क्या बताना है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो अगर ये 3 डेज में काम खत्म करता है, ये 4 डेज में करता है, ये 6 डेज में करता है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप यही है कि आप तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या है, 12। तो 12 मेरा एलसीएम हो गया, 12 टोटल यूनिट हो गई। अब अगर 12 मेरी टोटल यूनिट है, 3 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो पर डे की यूनिट इसकी कितनी हो गई, 4 यूनिट्स पर डे। सिंपल है। इसकी कितनी हो गई 4 दिन में, 12 / 4 मतलब 3 यूनिट्स पर डे, और इसकी कितनी हो गई, 2 यूनिट्स पर डे। अब देखिए, तीनों की मिलकर एक दिन की यूनिट कितनी, 4 × 3 = 7, दोनों 9 यूनिट्स पर डे। अगर 9 यूनिट पर डे काम है और 12 टोटल यूनिट, तो काम कितने में हो जाएगा, 12/9। इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 4/3/3। तो देखिए मेरा आंसर आ गया 1/3 डेज। अब खास बात यह कि इसमें आपका फ्रैक्शंस में आंसर आएगा, तो आपको ये देख के घबराना नहीं है कि 1/3 आंसर आ रहा है मेरा, एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा, क्योंकि टाइम एंड वर्क में ऐसे आंसर बहुत बार आएंगे। तो बिना चिंता की आप टिक कीजिए, बस आपको कंसेप्ट पे फेथ होना चाहिए अपने पे, और आप आराम से टिक कर सकते हैं कि ये सही होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 2 पे, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस। टाइप 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, एफिशिएंसी बेस्ड। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ एसएससी में एक बार, कि अगर वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4, तो टाइम कितना, टाइम का रेशियो क्या लगेगा काम को खत्म करने में। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है कि इसने खुद ही बोला है कि अगर ये 3 यूनिट करता है तो ये 4 यूनिट करता है, इसका मतलब वर्किंग एफिशिएंसी ऐसी है। अगर ए करता है 3 यूनिट्स काम, तो बी करता है 4 यूनिट्स काम। अब कंसेप्ट वही है, पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा,
12, तो अगर 12 यूनिट काम है और ये 3 यूनिट एक दिन में करता है तो ये कितने दिन में काम खत्म कर देगा? 12/3 दैट इज इक्वल टू 4, और ये कितने दिन में काम खत्म कर देगा? 12/4 दैट इज इक्वल टू 3। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4:3। इसका मतलब कि जो वर्किंग एफिशिएंसी होता है और टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है रेशियो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में था 3:4 और आंसर आया 4:3। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए इज 3 times मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब कि ए बी से 3 गुना ज्यादा अच्छा काम करता है, तेजी में ज्यादा यूनिट्स काम करता है, और इसी वजह से अब ए जल्दी काम कर लेता है तो 6 दिन जल्दी काम खत्म कर देता है बी से। अब आप बताइए कि अगर ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? तो देखिए फिर से वही सेम ट्राई करेंगे हम कि ए मान लीजिए 3 units करता है तो बी कितने यूनिट करता है? 1 unit करता है। अब अगर बोलूं डेज की यूनिट, तो जस्ट डेज की यूनिट रिवर्स हो जानी चाहिए या एफिशिएंसी की यूनिट अब इससे रिवर्स हो जाएगी? मतलब के अगर एफिशिएंसी से रिवर्स कर दूं मैं डेज की यूनिट तो ये 1 और ये 3, लेकिन अगर ये 1 दिन में काम खत्म कर रहा है, ये 3 दिन में काम खत्म है, तो अभी मेरे डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 days का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कितने दिन का डिफरेंस होना चाहिए? 6 दिन का। तो मुझे ये 6 बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब क्या होगा कि अगर ये 3 days में काम खत्म करता है तो ये 9 days में काम खत्म कर देगा। सही है। अब फिर से वही बात, 3 और 9 हमारे पास आ गया, इन दोनों का एलसीएम क्या है? 9। 3 3 9, 9 1 9, तो अब इन दोनों की पर डे की यूनिट हो गई। इसकी 3 units पर डे है, इसकी 1 unit पर डे है, मतलब दोनों का अगर कंबाइंड होगा तो कितना आएगा? 3+1 4, और टोटल काम कितना है? टोटल यूनिट्स, ये टोटल यूनिट्स आई थी आपकी 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9/4 दैट इज 2 1/4 डेज। तो ये आपका आंसर हो गया इस केस में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार प्लीज वीडियो को फिर से देखिएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, आ जाएगा समझ में। टाइप 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि ऑल्टरनेट डेज के ऊपर है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एक काम को 6 दिन में खत्म करता है और बी उसी काम को 8 दिन में खत्म करता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए काम करे फिर दूसरे दिन बी काम करे, इस तरह से फिर से ए काम करे फिर बी काम करे, तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? हम देखिए सेम अपना वही कंसेप्ट यूज करेंगे, ए 6 days, बी 8 days, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 24। ठीक है, अब देखिए ए की पर डे यूनिट कितनी आएगी? 6 चौक 24, 4 units पर डे। इसी तरह से आर इस बी की एक दिन की पर यूनिट पर डे की कितनी यूनिट आ जाएगी? 24/8 दैट इज 3 units पर डे। अब मतलब पहले दिन कौन सा काम होगा? 4 unit होगा, दूसरे दिन 3 unit होगा। तो काम आपका इस तरह से होगा, पहले डे 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3, मतलब कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 unit काम हो रहा है। अब इस 7 को मैं इसके नियरेस्ट ले जाता हूं, 23 बना लेते हैं इसको, क्योंकि देखिए अगर आप 7 को मल्टीप्लाई करते 3 से, मतलब यही कंसेप्ट अगर 3 बार चला, 3 दिन चला ऐसे ऐसे, 4 3 4 3 4 3, तो कितना हो गया टोटल? 7 7 7, मतलब 21 units काम हो चुका है। अब कितना यूनिट बचा है? 3 unit बचा है, और बारी किसकी है? ए की बारी है, लेकिन एक कितने यूनिट कर सकता है? 4 unit कर सकता है, तो मतलब ये कितने देर में काम खत्म कर देगा? 3 unit ही बचे हैं, 4 unit कर सकते हैं 3/4 में। तो आपके डेज कितने हो? 1 2 3 4 5 6 6 days, और ये 3/4, तो आपका आंसर आ गया 6 3/4 days। बिल्कुल सिंपल है। देखिए अगर यही क्वेश्चन 3 के लिए होता तो भी सेम ही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि ए करता है 4 days में, बी करता है 6 days में, सी करता है से 8 days में। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि अगर ये तीनों ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा? तो देखिए फिर से इसका एलसीएम क्या होता है? 24 होता है। चलिए टोटल यूनिट्स हो गई 24 आपकी। अब इसका पर डे का कितने यूनिट आ गया? 6 unit पर डे। इसकी कितनी आ गई? 4 units। इसकी कितनी आ गई? 3 units। मतलब कि अगर सबको मैं कंबाइन कर दूं तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 6 4 10 और 3 13। देखिए अब इसको ऑल्टरनेट करना है, पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा फिर सी काम करेगा, ऐसे चलेगा सीक्वेंस। तो पहले 6 unit हुआ, फिर 4 unit हुआ, फिर 3 unit हुआ, तो 3 दिन लगे इसमें। अब फिर से किसकी बारी? ए की बारी है, तो फिर से 6 unit हुआ। अब देखिए 6 4 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 के बाद कितने यूनिट और चाहिए? अभी और यूनिट चाहिए, तो 19 और 4 23। अब कितने यूनिट बच गया? 1 unit काम बचा, और बारी किसकी थी? सी की।
ये कितने मिनट काम कर सकता है, 3 मिनट काम कर सकता है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 1/3 ही लगेगा, पूरा दिन ही लगेगा, क्योंकि पूरे दिन में अगर 3 मिनट काम करता है तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा, 1/3 में। तो आपका आंसर क्या गया, 1/3 डेज। सही है, आपका आंसर हो गया 5 1/3 डेज में ये तीनों लोग अगर ऑल्टरनेटिवली काम करेंगे तो 5 1/3 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।